सबको नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लास के तहत देवनागरी लिपि के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। हमने एक वीडियो पहले ही देवनागरी की उत्पत्ति और विकास के बारे में और कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देवनागरी लिपि के नामकरण एवं कुछ विशेषताओं के बारे में इसमें बात करेंगे। देवनागरी लिपि जो है वो हमारी हिंदी भाषा की है लिपि। इसका प्राचीन रूप 7वीं शताब्दी से मिलने लगता है, लेकिन उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी में यह विकसित हुई है, इसका प्रचलन बढ़ा है। दक्षिण भारत में तो 8वीं शताब्दी में ही विद्यमान थी, जहाँ उसका नाम नंदी नागरी था। उत्तर और दक्षिण भारत के लिपि संबंधी प्रयोग देखने के बाद यह तो स्पष्ट ही है कि 10वीं शताब्दी में देवनागरी नाम प्रचलन में था। 10वीं शताब्दी से आज तक देवनागरी की वर्णमाला में पर्याप्त विकास हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी में प्राचीन रूप हर्षवर्धन के समय से मिलने लगा है, कहीं कहीं ताम्रपत्रों पे, और 10वीं शताब्दी तक आते आते देवनागरी का नाम प्रचलन में आया और धीरे धीरे उसकी वर्णमाला में परिवर्तन हुआ है और उसके जो अक्षर है वो सुंदर और सुडोल होते गए। पहले शिलालेखों, ताम्रपत्रों, अभिलेखों से इसका संबंध है। राजस्थान, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य भारत तथा मध्य प्रांत के सभी लेख देवनागरी लिपि में ही पाए जाते हैं, जिसने देवनागरी के उद्भव विकास के क्षेत्र में सामग्री जुटाने हेतु पर्याप्त बल मिलता है। देवनागरी लिपि के विकास व प्रारंभिक स्थिति पर कुछ निष्कर्ष सामने आते हैं कि 10वीं शताब्दी की नागरी में कुटी लिपि की भांति अक्षरों का सिर चौड़ाई सदृश और दो भागों में विभाजित होता था। ये कुटी लिपि से इसका विकास हुआ। नागरी लिपि की मूल लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कैसे धीरे धीरे उसका विकास होता है। 11वीं शताब्दी के नागरी लिपि वर्तमान देवनागरी से मिलती जुलती है। 12वीं शताब्दी आते आते यह पूर्णतः आज की वर्तमान वैज्ञानिक लिपि देवनागरी हो जाती है, अर्थात आधुनिक समय की देवनागरी लिपि आज से 900 साल पहले की नागरी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। तो इस प्रकार नागरी लिपि ने स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार डाला है। देवनागरी के नामकरण की बात हम करते हैं, यह वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य है कि उसका नामकरण किस आधार पर हुआ। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं, हम उन मतों का विश्लेषण करेंगे कि इसका देवनागरी या नागरी लिपि नाम क्यों पड़ा। कुछ विद्वान इसका संबंध नागर ब्राह्मणों से लगाते हैं। पहला मत ये है जो कि गुजरात में अधिक संख्या में है तथा वे इसका प्रयोग करते थे, इसीलिए यह लिपि देवनागरी कही जाने लगी नागर ब्राह्मणों के कारण। दूसरा मत है कि नागरी अर्थात नगरों में प्रचलित होने के कारण नागरी कहलाई। नागरी से पूर्व देव शब्द देवताओं का वाची है और इसी आधार पर इसे देवनागरी कहा जाता है। तो नगरों में प्रचलन था, इसलिए दूसरा मत। तीसरा मत है इसका का नामकरण कैसे हुआ। तांत्रिक मंत्रों में बनने वाले कुछ चिन्ह देवनगर कहलाते थे, जिनसे मिलते जुलते होने से इसका नाम लिपि से जुड़ गया और यह लिपि देवनागरी कहलाई। तो वो कुछ चिन्ह थे वो देवनगर कहलाते थे और वो चिन्ह इन अक्षरों के समान बने होते थे, इसलिए उसको देवनागरी कहा। आईएम शास्त्री जी के विचार अनुसार देवताओं की मूर्तियां बनने के पूर्व सांकेतिक चिन्हों द्वारा उनकी पूजा होती थी। ये चिन्ह कई त्रिकोण तथा चक्रों
आदि से बने हुए मंत्र थे जो देवनगर कहलाता था के मध्य लिखे जाते थे। देवनगर के मध्य लिखे जाने के कारण अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह कालांतर में उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे और देवनगर के मध्य में उनका स्थान होने से उनका नाम देवनागरी हुआ। ये भी प्राचीन देवताओं की मूर्तियों बनने से पूर्व जो सांकेतिक चिन्ह होते हैं उनकी पूजा होती थी, बाद में वहाँ मूर्ति का स्थापना की जाती थी। वो जो चक्र है, त्रिकोण है, कुछ मंत्र जो लिखे होते थे उनके आधार वो देवनगर के आधार पर देवनागरी नामकरण सिद्ध होता है। यह चौथा मत है। अगला मत ललित विस्तार में संकेतित है नागलिपि नागरी है। नाग से नागरी होना सरल है का उल्लेख मिलता है, जिसका तीव्र विरोध करते हुए डॉक्टर एल डी वार्नेट ने कहा है कि नागलिपि का नागरी लिपि से कोई संबंध नहीं है। अगला मत है कि काशी जो आज की वाराणसी का दूसरा नाम देवनगर है, तीसरा नाम कह सकते हैं, काशी वाराणसी और उसका तीसरा नाम देवनगर है। यहाँ प्रचलित होने के कारण देवनागरी स्पष्ट शब्दों में यही देवनागरी लिपि है। जहाँ प्रचलन काशी में और वह देवताओं की नगरी, इसलिए देवनागरी उसका नाम हुआ। धीरेन्द्र वर्मा एक हिंदी के विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली नागर थी, उसमें चतुर्भुज आकृतियाँ होती थी। इन चतुर्मुखी आकृतियों के कारण ही इसे देवनागरी कहा गया। तो ये कई मत अलग अलग हैं और देवनागरी के बारे में बताते हैं। अब हम देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं उसकी भी बात करते हैं। यह लिपि सिरोरेखा विहीन लिपि है, इस कारण परिणामतः आज भी अनेक विद्वान सिरोरेखा के बिना ही लिखते चले जाते हैं, जिनमें से अधिसंख्य गुजराती साहित्य से प्रभावित ही है। यह लिपि कौन सी है, गुजराती के बारे में कह रहे हैं। गुजराती लिपि सिरोरेखा विहीन लिपि है, लेकिन जो अपनी हिंदी हम देवनागरी लिपि लिखते हैं वो सिरोरेखा युक्त हैं। ये एक हिंदी की विशेषता है कि वो सिरोरेखा युक्त लिपि है। देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर यदि हम दृष्टि डालें तो पाते हैं कि यह आज की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक क्यों है, जिसकी सर्वप्रिय विशेषता है जैसा लिखना वैसा पढ़ना। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, उर्दू में भांति लिखा कुछ जाना और पढ़ा कुछ जाना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसकी ध्वनियाँ जो इतनी पूर्ण व सशक्त हैं कि इसमें जो जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोलकर पढ़ने की अपूर्व क्षमता है। इसके उच्चारण स्थान मुख, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ्य में विभाजित है क्रमानुसार ऊपर से नीचे। तो ये जो स्वर है, व्यंजन है, पूर्णतः इसको वैज्ञानिक लिपि कहते हैं। यह उर्दू की तरह उल्टी नहीं लिखी जाती है, दाएं से बाएं नहीं, बाएं से दाएं लिखी जाती है। सिरोरेखा युक्त लिपि है, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जिस क्रम में उच्चारण के स्थान है ठीक वही क्रम स्वर व व्यंजन के विभाजन का भी है। इसमें स्वर व्यंजनों की तरह एक ही वर्ण को कई कई ध्वनियों के रूपों में प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग वर्ण है। संसार की किसी भी भाषा लिपि में स्वरों की मात्राएं भी निश्चित नहीं हैं, लेकिन देवनागरी लिपि के स्वरों की मात्राएं भी निश्चित की गई है। तो इस प्रकार यह पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है, यह ध्वनि प्रदान लिपि है। वर्णों का क्रम उच्चारण स्थानों के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। प्रत्येक उच्चारण स्थान की ध्वनि भिन्न होती है। किसी भी ध्वनि के लिए हमें किसी प्रकार की न्यूनता का आभास नहीं होता है। तुलनात्मक दृष्टि से भी देखें तो देवनागरी लिपि अति उत्तम है। अंग्रेजी और उर्दू की भांति वर्ण संकेतों की अल्पता नहीं है, पूर्णतः है। कुंवर को कुनवर, जैर को जेबर, पेश को अभाव जैसी समस्याएं भी नहीं है, बल्कि इसमें मात्राओं का निश्चित विधान मिलता है। हस्व और दीर्घ की मात्राएं भी निश्चित है, छोटे और बड़े की मात्राएं भी निश्चित है। तो इस प्रकार यह वैज्ञानिक लिपि है और इसके अक्षर भी सुडोल हैं। जो सुंदर लिखते हैं उनकी लिखावट बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो कुछ अच्छी विशेषताएं इसकी है और
हिंदी देवनागरी लिपि की, जो हमारी भाषा खड़ी बोली हिंदी का हम उपयोग करते हैं उसकी लिपि देवनागरी है। तो इस प्रकार हमने इसमें अध्ययन किया, मुख्य तो था कि देवनागरी नाम कैसे पड़ा, उसमें विद्वानों के विभिन्न मत थे और कुछ देवनागरी लिपि की विशेषता है। तो यह हमें ध्यान होना चाहिए कि देवनागरी लिपि क्या है, उसका उद्भव और विकास हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वो कहाँ से आई। ब्राह्मी लिपि इसकी मूल है, जो संस्कृत से बाद में धीरे धीरे शुरुआत होकर के आज तक ये जो लिपि हम विकास हुआ उसके बारे में पढ़ा और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। आज इतना ही, बाकी बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद।